नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज मैसम में। ठीक आप सामने देख रहे हैं मेरे मन्नत, और ये घर है बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का। और आज आपको बता है कि जैसे शाहरुख खान अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ठीक 58 साल के हो गए हैं, और ऐसे में शाहरुख खान आपको कुछ ही देर के बाद घर के बाहर जरूर दिखेंगे। लेकिन उससे पहले जब वो उनका जन्मदिन होता है, अमूमन चारों तरफ घर के बाहर उनके फैंस होते हैं, लेकिन इस बार आपको फैंस नजर नहीं आएंगे, बल्कि फैंस की जगह चारों तरफ आपको ये बैरिकेडिंग नजर आएगी, क्योंकि ये बैरिकेडिंग सुरक्षा के लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से मुंबई पुलिस ने की हुई है, ताकि यहाँ पर क्योस पैदा नहीं हो। अमूमन फैंस इतर बितर हो जाते हैं, और ऐसे में पुलिस को अमूमन बैरिकेडिंग करनी पड़ी। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही शाहरुख खान यहाँ पर आएंगे, वैसे ही इन फैंस को यहाँ पर आने दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो फैंस हैं, पुलिस ने इनका बंदोबस्त ठीक रोड के उस पार किया हुआ है। हजारों की तादाद में यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं लाइन बहुत लंबी है। ठीक है, लाइन तकरीबन 1 मीटर तक है। लगभग ये हजारों की तादाद में फैंस हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि शाहरुख का जब भी जन्मदिन होता है, फैंस तो आते ही, साथ में नॉर्मल डे पर भी यहाँ पर बहुत सारे उनके चाहने वाले आते हैं। ऐसे में आज शाहरुख खान के जन्मदिन भी है, और दोहरी खुशी है फैंस के लिए कि उनकी फिल्म डंकी का टीजर भी रिलीज हुआ, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया हुआ है। अब बताया जा रहा है 5 बजे तकरीबन शाहरुख खान यहाँ पर आएंगे और अपने फैंस के साथ रूबरू होंगे। जैसा आपको बता दें, ठीक ये एरिया है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शाहरुख खान आते हैं और अपने आइकॉनिक अंदाज में वो फैंस को यहाँ पर मिलते हैं। तब तक आप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए 5 बजे तक, तब तक ढेर सारी जो डिटेल्स हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाते रहूँगा।